वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए ईमेल्स कहां से आएंगी आपके पास, ठीक है? तो ध्यान से आप इस लेसन को देखिएगा। सो ईमेल मार्केटिंग जो है हमारा, उसका फाउंडेशन है ईमेल्स, है ना? आपके पास ईमेल्स होनी चाहिए जिन्हें आप मार्केट करोगे, दैट इज ईमेल मार्केटिंग। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया ये तो ठीक है, बट हम ईमेल लाएंगे कहां से? ईमेल कहां से आएगी भैया, कैसे करें ईमेल मार्केटिंग? तो इसके बड़े सारे तरीके है ना, उन तरीकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, वो तरीका भी हम जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला, सबसे आसान तरीका, ठीक है जी, सबसे इजी, ठीक है, सबसे आसान कौन सा तरीका है जी, बताओ, ईमेल आने का? सोचो, एक दो मिनट तो नहीं, 5-10 सेकंड सोचो, सबसे आसान तरीका क्या होगा ईमेल आने का? तो देखो, सबसे आसान तरीका है, आप देखोगे, सिंपल गूगल सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएंगे बल्क ईमेल प्रोवाइडर्स, ठीक है? आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बल्क में ईमेल्स बेचते हैं लिटरली। तो 10,000 रुपए दोगे आप, आपको तो 15 लाख 20 लाख लोगों की ईमेल्स दे देंगे और आप उन्हें मेल भेज सकते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे वाह मजा आ गया ये तो, ठीक है, 15,000 10,000 रुपए दिए और इधर से मिल गया मुझे धक से 15 लाख, क्या बात है, अब तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? ये जो 15 लाख लोग हैं, इन्हें आप क्या भेज रहे हो? कोल्ड ईमेल, ना ये आपको जानते हैं ना आपको पहचानते हैं। तो क्या चांस आपको लगता है कि ये आपकी मेल खोलेंगे भी? और उसके बाद, पहली बात तो क्या चांस लगता है आपको कि आपकी मेल इनके इनबॉक्स में जाएगी? दूसरा, क्या ये आपकी मेल खोलेंगे? तीसरा, अगर ये आपकी मेल खोलेंगे तो क्या ये आपके लिंक पे क्लिक करेंगे? अगर ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या जाके आपसे खरीदेंगे? क्या आप एकदम अननोन कहीं से ईमेल आई हवे में, आप जाके उससे प्रोडक्ट खरीद लोगे? कैसे होता है, क्या आप जाके इनका प्रोडक्ट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। हाँ, 15 लाख में से एक दो ने खरीद लिया तो खरीद लिया, बाकी तो नहीं खरीदने वाले। और अगली चीज, इन 15 लाख को ईमेल भेजोगे, उसका इतना सारा पैसा लगेगा, प्लस 10,000 ये दे दिए, ज्यादातर लोगों के पास ईमेल आपकी इनबॉक्स में जाएगी नहीं, तो आपकी ईमेल आईडी भी क्या हो जाएगी, ब्लैकलिस्ट, ज्यादातर लोग उठा के आपको स्पैम में डाल देंगे, है ना? तो ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन सबसे बकवास तरीका है। ये तरीका आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? तो ये था तरीका नंबर वन, मार्केट से ईमेल खरीदो, उन्हें ईमेल भेजो, सबसे आसान है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है? अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। आप वेब स्क्रैपिंग से ईमेल जुटाओ, मतलब इंटरनेट पे आप कंपनीज की वेबसाइट से ईमेल ढूंढो, है ना, और वो ईमेल लो और उनको आप मेल भेजो, कोल्ड आउटरीच ईमेल। लिटरली जो पहले काम आप कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे, मार्केट से ईमेल खरीद ले रहे थे, 10-15 हजार दे के एक ही साथ कई लाख ईमेल मिल जा रही थी। यहां क्या कर रहे हो, हर वेबसाइट पे जा रहे हो, वहां से ईमेल उठा रहे हो और फिर उनको मेल भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी वेबसाइट पे गए थिंक एंड थ्राइव पे, वहां से आपको एक ईमेल मिल जाएगी, आपने वो अपनी ईमेल डेटाबेस में डाल ली। देन आप किसी और की वेबसाइट पे गए, वहां से ईमेल उठाई, वो डेटाबेस में डाल ली, और देन आप उनको ईमेल कर रहे हो, है ना? अगेन ये तरीका भी बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है? पहला, अगेन आप ऐसे लोगों को ईमेल भेज रहे हो जो आपको जानते भी नहीं, जिन्होंने आपको आपकी ईमेल को सब्सक्राइब भी नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भैया मुझे मेल भेजो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको, उन्होंने परमिशन नहीं दी, फिर भी आप उन्हें मेल भेज रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगेन, वो क्या आपकी मेल खोलेंगे?
बहुत ही रिमोट चांसेस है। क्यों? क्योंकि एकदम कोल्ड ही मिला रही है, एकदम अननोन पर्सन से ही मिला रही है, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको यूज नहीं करना। तीसरा तरीका क्या है जी? अब मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा आपसे, मैं यहाँ पे स्केल की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे अच्छा ये एक तरीका और है कि रोड पे किसी भी बंदे से उठा के मैं उसकी ईमेल पूछ लूं और उसको ईमेल भेज दूं, तो कितने लोगों से पूछ लोगे दिन भर में, है ना? तो अगेन वो तरीका स्केलेबल नहीं है। तीसरा तरीका क्या है जो कि सबसे बेस्ट तरीका है, वो है कि लोग अपनी ईमेल आईडी, सपोज करो ये कोई है ना, और ये बंदा अपनी ईमेल आईडी आपको दे कि भैया ये लो मेरी ईमेल, मुझे ईमेल भेजो भैया, ये बंदा ऐसा कह रहा है ना। तो ये बंदा ऐसा कब कहेगा कि भैया मुझे ईमेल भेजो? ये आपको अपनी ईमेल कब देगा? ये आपको अपनी ईमेल तब देगा जब इसको उसके बदले में कुछ मिले। फॉर एग्जाम्पल, से आप एक हो जिम के इंस्ट्रक्टर, है ना, और आपने एक वेबसाइट बनाई, बड़ी सुंदर सी एक आपने वेबसाइट बना दी, और उस वेबसाइट पे आपने एक पेज बना दिया, उस पेज पे आपने एक ई बुक डाल दी। आपने कहा कि भैया अगर सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हो तो ये ई बुक डाउनलोड कर लो, इसमें मैंने बताया सिक्स पैक एब्स कैसे बनाया जा सकता है, और ये ई बुक क्या है, कंप्लीटली फ्री। आपको क्या देना है इसके बदले? अपना ईमेल, दैट्स इट। और अगर मेरे को सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं आपको ईमेल दूंगा, राइट? अब मैंने आपको ईमेल दे दी, क्या मैंने खुद आपको ईमेल दी है? आपने कहीं से चोरी किया है? मैंने खुद आपको ईमेल दी है। क्यों दी है मैंने ईमेल आपको? अगेन, क्योंकि आपने मुझे ई बुक दी है। अब मैं आपको ईमेल्स फ्यूचर में भेज सकता हूं, प्लस अब आप मेरी ईमेल खोलोगे भी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपना ईमेल दिया था, आपको मेरा वो कंटेंट पसंद आया था, देन में आपने मेरे को ईमेल दिया था, और अब आप मेरी ईमेल्स खोलोगे, है ना? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ईमेल्स लेने का। क्या है तरीका? वो तरीका है बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स, ठीक है जी? कैसे? बाय यूजिंग लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं कि आप किसी को कुछ फ्री में दे रहे हो और जिसके बदले वो अपना ईमेल एड्रेस आपको दे रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरी क्या है, एक फेसबुक एड्स चेकलिस्ट, है ना, जिसमें मैं आपको 14 पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप फेसबुक एड रन करो। उसमें मैं क्या कहता हूँ आपको, भैया ये चेकलिस्ट ले लो, और ये फ्री है, प्लस इसके बदले में आपको क्या देना है, जस्ट ईमेल। और जैसे ही आप एक बार ईमेल दे देते हो, फिर मैं आपको लगातार ईमेल्स भेजता हूँ। वो भी हम फ्यूचर में बात करेंगे कि ईमेल्स कैसे भेजनी है, क्या सीक्वेंसिंग है, बाकी सारी चीज मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? सो बेस्ट तरीका क्या है? लीड मैग्नेट। तो अब आपको ये देखना है कि आपका जो भी बिजनेस हो, आप अपने बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे, एक लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट क्या होता है? आप कुछ फ्री में दे रहे हो किसी को, है ना। अब लीड मैग्नेट क्या हो सकता है? मेरे केस में क्या है, ई बुक है, सॉरी एक चेकलिस्ट है। तो आप दे सकते हो चेकलिस्ट, प्लस आप दे सकते हो कोई बुक, आप दे सकते हो कोई पीडीएफ, आप दे सकते हो वीडियो सीरीज, है ना, एनीथिंग ऑफ वैल्यू आप उसको फ्री दे दो, दैट इज लीड मैग्नेट। उसके बदले में लोग आपको ईमेल देंगे और आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अपनी ईमेल मार्केटिंग, ठीक है जी? तो ये था कि कैसे आपको ईमेल्स इकट्ठी करनी। अगेन टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे के लेसन में आपको बताऊंगा भी। अगेन मैं आपको लैंडिंग पेज बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो मैंने लैंडिंग पेज के कोर्स में पूरा बताया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना फॉर्म लगाना है, कैसी सारी चीजों को इंटीग्रेट करना है, प्लस मैं आपको एक अपने पेज का लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा, ठीक है? तो अगेन हमें क्या यूज करना है, हमेशा हमें यूज करना है ईमेल इकट्ठा करने के लिए लीड मैग्नेट, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।